राम नाम की महिमा भारी। राम मई है सृष्टि सारी, राम मई है सृष्टि सारी, राम नाम की महिमा भारी। राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, नैनों में श्री राम, अधरों पे श्री राम, सांसों में श्री राम, प्राणों में श्री राम, राम रंग डूबा, राम रंग डूबा मैं रामानुरागी। राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी। नील, अब आप दोनों प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर सेतु निर्माण का कार्य संपन्न कीजिए। चलिए। प्रभु हमें आज्ञा दीजिए। नल, नील, सेतु निर्माण के शुभ कार्य में अब आप दोनों और विलंब न कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, श्री राम की जय। अंतर अंकित राम नाम को लिखता हूँ पाषाणों पे, चेतनता की छाप लगाता फिरता जड़ अज्ञानों पे। खल खंडन श्री राम, भय भंजन श्री राम, आंजनेय हनुमत के नैनांजन श्री राम। राम सराजा, राम सराजा ना, राम सत्यागी। राम धुन लागी श्री राम धुन लागी, राम धुन लागी श्री राम धुन लागी। जय। Jai Shri Ram, Jai Shri Ram,
दशरथ नंदन श्री राम की जय। 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 हनुमान, तुमने नल नील की सहायता से पत्थरों को तैराकर इस महान सेतु का निर्माण तो कर दिया, परंतु मेरे हाथ से पत्थर क्यों डूब गया? भगवान, जिसे आप स्वयं छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। प्रभु, हनुमान सत्य कह रहे हैं, ये पत्थर तो श्री राम के नाम से तैर रहे हैं, और जिसे स्वयं आप छोड़ दें वो भला तैरेगा कैसे? पतित उद्धारक श्री राम की जय। पतित उद्धारक श्री राम की जय। पतित उद्धारक श्री राम की जय। प्रभु, रामेश्वर से लंका तक सेतु का निर्माण हो चुका है, अब आप वानर सेना को लंका की ओर प्रयाण की आज्ञा दीजिए। हाँ सुग्रीव, लंका की ओर प्रयाण करने का शुभ मुहूर्त आ चुका है। आप अपनी वानर सेना को यह आदेश दीजिए कि वो लंका की तरफ प्रयाण करें। जय श्री राम। वीर सैनिकों, वीर हनुमान के नेतृत्व में लंका की ओर प्रयाण करो। Yeah!
वानर सेना के लंका पहुंचने का समाचार सुनते ही तुम सबको सांप क्यों सूंघ गया? युवराज मेघनाथ, तुम भी कुछ बोलते क्यों नहीं? लंकेश्वर, हम वानर सेना के लंका पहुंचने पर चिंतित नहीं हैं। हम चिंतित हैं आपके उस आदेश पर कि हम उन पर आक्रमण ना करें। नहीं, वानर सेना का बल तोले बिना उस पर आक्रमण करना मूर्खता होगी। तुम एक योद्धा होकर भी समझते क्यों नहीं? शत्रु की सेना हमारी भूमि पर आ धमके और हम कुछ ना करें, ये कैसी वीरता है पिताश्री? मेघनाथ, हमें उत्तेजित होकर कुछ भी नहीं करना है। इस समय हमें राजनीति और कूटनीति से काम लेना है। लंका की इसी में भलाई है। तहस, तुम अपना मंतव्य क्यों नहीं कहते? स्वामी, आपका कहना बिल्कुल उचित है। हम आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हैं। हनुमान के पराक्रम का परिणाम हम देख चुके हैं। प्रहस्त, तुम हनुमान के नाम से इतना डरते क्यों हो? हनुमान ने लंका में चाहे कितना ही उपद्रव क्यों ना किया हो, परंतु हमने उसे लंका से भागने पर विवश कर दिया था। मेघनाथ, तुम ये मत भूलो कि वो अपनी इच्छा से गया था, हमने उसे भगाया नहीं था। और इस समय हनुमान की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं। इस समय में यह देखना है कि हमारे पास ऐसे कितने वीर हैं जो राम, लक्ष्मण और वानर सेना को टक्कर दे सके। हमारे यहां योद्धाओं की कमी नहीं है लंकेश्वर, परंतु मेरा यह परामर्श है कि हमें सबको एक साथ युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए। तुम सत्य कह रहे हो प्रहस्त। अब ये बताओ, हमारे गुप्तचर सुक और सारण, इन दोनों ने वानर सेना का भेद लिया या नहीं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि हनुमान के सिवा वानर सेना में और कौन कौन है जो हनुमान के समान हमारे लिए कष्टदायक बन सकते हैं। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि वानर सेना में हनुमान के अतिरिक्त सुग्रीव, जामंत, गुण सुंदर, नल और नील आदि ऐसे वानर योद्धा हैं जो राक्षसों के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। क्षमा करें पिताश्री, यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ पूछूं। अवश्य मेघनाथ, शत्रु के बल और निर्बलता का पता लगाना हम सबके लिए आवश्यक है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? क्या राम और लक्ष्मण में इतना बल है कि वे राक्षस सेना के सामने टिक सके? मेरा अनुमान है कि राम लक्ष्मण की वीरता राक्षसों की बराबरी नहीं कर सकती। क्यों ना हम सबसे पहले राम और लक्ष्मण को समाप्त करने का प्रयत्न करें। राम, लक्ष्मण, केवल इन दोनों भाइयों ने दंडकारण्य में खर, दूषण और महान राक्षसों का संहार किया, हमारे कई हजार राक्षसों को मृत्यु की नींद सुला दिया। क्या तुम ये बात भूल गए हो मेघनाथ? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पिताश्री कि सबसे पहले हमें इन दोनों को समाप्त कर लेना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो युद्ध की जड़ ही समाप्त हो जाएगी और सीता के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। लंकेश्वर, आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूं। अवश्य प्रहस्त, हमें तुम्हारी कूटनीतिक और राजनीतिक परामर्श चाहिए। हम उत्तेजना में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहते। शुक और सारण लंका के सर्वोत्तम गुप्तचर हैं लंकेश, और उन्होंने ही हमें वानरों के लंका आने का समाचार दिया था। ये सब हम जानते हैं, तुम अपना परामर्श दो। लंकेश्वर, हमें उन्हें वानरों का रूप धारण करा के वानरों के राजा सुग्रीव के पास भेजना चाहिए, और सुग्रीव को इस बात का प्रलोभन देना चाहिए कि यदि अपनी सारी सेना लेकर लौट जाए तो लंका की सारी संपत्ति हम उन्हें प्रदान कर देंगे। प्रहस्त, तुम्हें अपना यह परामर्श तब देना चाहिए था जब वानर सेना समुद्र के उस पार होती, परंतु इस समय वानर सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। अब भी देर नहीं हुई है, सुग्रीव को यह प्रलोभन हम अब भी दे सकते हैं। मेघनाथ, जैसी आपकी इच्छा लंकेश्वर, परंतु मुझे इस उपाय के सफल होने में संदेह है। अब मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मैं राक्षस सेना की तैयारी का निरीक्षण करना चाहता हूं। ठीक है मेघनाथ, प्रहस्त तुम भी जाओ और गुप्तचरों को समझा कर कहो कि वे उचित समय की प्रतीक्षा करें और अवसर पाकर सुग्रीव के पास पहुंचे। जो आज्ञा लंकेश्वर। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु शीघ्र पधारिए और इस दुखियारी का उद्धार कीजिए। सीता रानी, मेरी एक बात मानोगी? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं सीता रानी? त्रिजटा तुम्हारी चहेती है, परंतु मैं भी तुम्हें कुछ कम नहीं चाहती। सीता, तुम कितनी अच्छी हो। सीता रानी, मुझसे आंखें मिलाओ, मेरी बात का उत्तर दो, मेरी तरह ही मुस्कुराओ। विवटा, क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। सीता, लंकापति रावण तुम्हें कितना चाहते हैं, ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। तुम्हारा रूठा हुआ चेहरा देखकर उन्हें कितना दुख पहुंचता है, ये मैं ही जानती हूँ। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती विवटा, कृपा करके चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। अकेली तो मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती सीता। कल रात लंकेश्वर रावण ने मुझे एक विशेष संदेश पहुंचाया है, क्या वो संदेश तुम सुनना नहीं चाहोगी? नहीं। तुम सुनना चाहो या ना चाहो, मैं सुना कर रहूंगी। भी बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। विवटा का हट तुमने देखा नहीं है सीता, वो ऐसे ही नहीं मानेगी। लंकापति रावण का संदेश तुम्हें सुनाकर ही रहेगी। लंकेश्वर रावण ने तुम्हें मनाने का काम मुझे सौंपा है, त्रिजटा को नहीं, और मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगी। मैं तब से बकबक किए जा रही हूँ और तुम आंखें फेर रही हो। ये ना भूलो सीता, तुम लंकेश्वर की बंदनी हो और मैं लंकेश्वर की प्रतिहारिणी। मैं अपने अधिकार के बल पर तुमसे अपनी बातें मनवा कर रहूंगी। बोलो, तुम बात मानती हो या नहीं? नहीं। एक बार फिर से तो बोलो। नहीं, नहीं के सिवा तुम मुझसे कुछ नहीं कहलवा सकती, चली जाओ यहाँ से। आज मैं नहीं सुनने वाली नहीं। विवटा, सावधान, पागल हो गई हो क्या? लंकेश ने देवी सीता पर खड़ग उठाने का आदेश दिया है, मार डालूंगी मैं इसे। मैं इसी समय लंकेश्वर के पास जाकर कहूंगी कि तूने देवी सीता को खड़ग से मार देने की चेष्टा की है और उनके मन में आपके प्रति क्रोध जगा दिया है। विपटा के कारण सीता आपकी बात नहीं मानेगी। नहीं नहीं त्रिजटा, ऐसा ना करना, लंकेश्वर मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। यदि जीवित रहना चाहती है तो देवी सीता से क्षमा मांग। देवी सीता, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। त्रिजटा से कहो ये लंकेश्वर से कुछ भी ना कहे। देवी सीता, मैं लंकेश्वर से कुछ ना कहूंगी यदि आप इसे क्षमा कर दें। त्रिजटा, तुम जानती हो मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। देवी सीता, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। देवी सीता की जय। देवी सीता की जय। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बेटा, अब तुम जाओ यहां से। देवी सीता, मैं तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाना चाहती हूँ। कैसा शुभ समाचार? तुम्हारे श्रीराम वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे हैं। श्रीराम वानर सेना सहित लंका पहुंच चुके हैं? हाँ देवी, उनकी एक झलक मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। कितना मनोहर है उनका रूप। तुमने मुझे ये शुभ समाचार सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है त्रिजटा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो आपने मेरी विनती सुनी ली श्री राम, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। जय श्री राम चंद्र। जय श्री राम। क्या पूजा करके लौट रहे हो हनुमान? हाँ जामवंत जी,
प्रभु श्री राम की इच्छा है कि मैं पूजा के पश्चात ही उनके दर्शन करूं, इसलिए वहीं जा रहा हूं। युद्ध की रणनीति निश्चित करने के लिए तुम्हारा वहां होना बहुत आवश्यक है। युद्ध की रणनीति निश्चित करने के लिए आप लोगों का वहां होना भी आवश्यक है। आप लोग भी चलिए ना मेरे साथ। पहले तुम चलो, हम लोग भी शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। जैसी आपकी इच्छा जामवंत जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम लक्ष्मण भैया। प्रणाम हनुमान। प्रणाम वानर राज सुग्रीव। प्रणाम हनुमान। पूजा करके लौट आए हनुमान? हाँ प्रभु, ये रहा पूजा का अभिषिक्त जल, लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं रणनीति के बारे में। हमें पहले आक्रमण करना चाहिए या प्रति आक्रमण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? प्रभु, मेरे गुरुदेव सूर्यदेव ने मुझसे कहा था कि युद्ध में पहले आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि जो पहले आक्रमण करता है वही विजय का अवसर पाता है। मेरा भी यही विचार है भैया, हम शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा क्यों करें? प्रभु, हमारी ओर से आक्रमण प्रारंभ हो चुका है। मुख्य भूमि से लंका की भूमि पर पहुंचना आक्रमण नहीं है तो और क्या है? मैं सोच रहा हूं प्रभु, रावण जैसा क्रोधी और अभिमानी राक्षस अब तक चुप क्यों है? आश्चर्य की बात है। सुना है रावण का पुत्र मेघनाथ रावण से भी अधिक उग्र है, उसे तो अब तक युद्ध में उतार आना चाहिए था। हो सकता है रावण और मेघनाथ भी रणनीति के बारे में विचार कर रहे हो। रावण राक्षस होते हुए भी ब्राह्मण और ज्ञानी है, उसने हर विद्या का गहरा अभ्यास किया है, इसलिए वो तेजना में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। हमें उनके बारे में नहीं अपने बारे में विचार करना चाहिए भैया। हमें अपनी रणनीति निश्चित करके उसे शीघ्र ही कार्य रूप देना चाहिए और लंका भूमि पर पहुंचकर हमें एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं लक्ष्मण जी। प्रभु, हमें राक्षसों पर आक्रमण करने की आज्ञा दीजिए। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए हमें उन पर टूट पड़ना चाहिए। हमें अगला चरण बढ़ाने से पहले जामन जी का परामर्श भी ले लेना चाहिए। प्रभु, यदि आज्ञा हो तो ये सेवक भी कुछ कहना चाहता है। अवश्य कहो हनुमान, तुम रणनीति निपुण सूर्यदेव के शिष्य हो, तुम्हारा परामर्श हमारे लिए बहुमूल्य है। प्रभु, हमें पहले राक्षसों की तैयारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, फिर युद्ध की बात सोचनी चाहिए। हमने कुछ गुप्तचर लंका भेज दिए हैं, उनसे हमें निश्चित जानकारी मिलती रहेगी हनुमान। जो जानकारी मिलेगी वो अधूरी हो सकती है, और मुझे भय है कि हमारे गुप्तचर पकड़े भी जा सकते हैं। तो आप ही हमें बताइए हनुमान, हम जानकारी कैसे प्राप्त करें? इस सेवक को एक बार फिर सर्वेक्षण के लिए लंका भेजिए। मैं आकाश में जाकर विहंगम दृष्टि से राक्षसों की युद्ध रचना का निरीक्षण करूंगा। और हनुमान, तुम्हारा विचार अति उत्तम है, तुम इस कार्य के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा तो मन कहता है कि ये युद्ध ना हो और किसी प्रकार की संधि हो जाए। माताश्री, आपके और मेरे चाहने से क्या होता है यहां? ये मैं इसलिए कह रही हूं
क्योंकि होने वाले इस युद्ध में सत्य और न्याय राक्षसों के पक्ष में नहीं है। माताश्री, क्या आप राक्षसों की पराजय चाहती हैं? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हैं आप स्वामी? क्या कभी लंका की महारानी ये चाह सकती हैं कि राक्षसों की पराजय हो? पुत्र, तुम्हें सुनने और समझने में भ्रम हुआ है। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि होने वाले इस युद्ध में सत्य और न्याय राक्षसों के पक्ष में नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राक्षस असत्य और अन्याय का पक्ष ले रहे हैं और इसी कारण वे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। नहीं पुत्र, हार जीत की तो बात मैंने की ही नहीं है। युद्ध में तो जो बलशाली होता है उसे ही विजय प्राप्त होती है। तो क्या आपको हमारे बलशाली होने में संदेह है? सुलोचना, क्या तुम भी माताश्री की इस बात से सहमत हो? मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती स्वामी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने राक्षस सेना को युद्ध के लिए तैयार किया होगा। हम अभी अभी राक्षस सेना का निरीक्षण करके आ रहे हैं। हमने युद्ध की व्यूह रचना भी प्रारंभ कर दी है। वह दिन दो नहीं जब लंका की पावन भूमि शत्रु सेना के रक्त से स्नान करके उन्हें समाप्त कर देगी और राक्षस राज रावण का विजय घोष शीघ्र ही लंका के घर घर में गूंजेगा। पुत्र, तुम्हारा विरोचित उत्साह देखकर मैं अति प्रसन्न हूं, परंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हजारों लाखों निर्दोष प्राणियों का रक्त इस लंका की भूमि पर न बहे? क्या इस युद्ध को रोकने का कोई उपाय नहीं है? नहीं, युद्ध की चुनौती के बाद युद्ध को रोकना कायरों का काम है। हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। मुझे तो चारों ओर सर्वनाश के स्वर सुनाई देते हैं। अशुभ और भयावने सपने मुझे रात भर सोने नहीं देते हैं। अशुभ आशंकाओं से मेरा मन व्याकुल रहता है। सावधान, विश्व विजयी लंकापति रावण पधार रहे हैं। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। हमारी महारानी के मुखमंडल पर ये शोक के बादल क्यों छाए हुए हैं? वानर सेना के लंका पहुंचने से अवश्य हमारी महारानी भयभीत हुई होंगी। पिताश्री, माताश्री का विचार है कि हमें युद्ध की संभावना को समाप्त कर देना चाहिए। युद्ध की संभावना तभी समाप्त हो सकती है जब शत्रु युद्ध होने से पहले हार मान ले। मंदोदरी, तुम्हें ये सोचने से पहले हमारे स्वाभिमान और राक्षस गौरव का तनिक भी विचार नहीं आया? मैं स्वाभिमान तथा गौरव की रक्षा के लिए ही ऐसा कह रही हूँ। मैंने सुना है कि वानरों में कई योद्धा वरदानी और शक्तिशाली हैं। क्या हम योद्धा नहीं है? क्या हम वरदानी नहीं है? क्या राक्षस वीर वानर उसे अधिक शक्तिशाली नहीं है? मंदोदरी, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम राक्षसों के हित के बारे में सोच ही नहीं सकती। जब से सीता लंका में आई है तब से तुमने हमारे विरोध के सिवा कुछ नहीं किया। नहीं स्वामी, मैं आपके चरणों की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैंने सेवा आपके हित के और कुछ नहीं सोचा है। मैं तो चाहती हूँ कि लंका अकारण रक्तपात से बच जाए। हम अपने शत्रुओं का मुंह तोड़ उत्तर देंगे। रावण की लंका पर आक्रमण करने वाले राम लक्ष्मण हनुमान और वानर सेना को हम यहाँ से जीवित नहीं जाने देंगे। स्वामी, अब भी समय है। देवी सीता को उनके पति को सौंप दीजिए, फिर इस युद्ध का प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा। मंदोदरी, हम तुम्हें अंतिम बार कह रहे हैं, यदि अगली बार तुमने सीता को लौटाने की बात कहकर हमें अपमानित किया तो हम तुम्हें कुछ कहने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ेंगे। ओझल हो जाओ हमारी आंखों से, जाओ। चलिए माता श्री,